नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। कमलनाथ ने मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा। एयरसेल मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने जांच पूरी करने को मांगा और वह। नई शिक्षा नीति में 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक जताया। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 3 और 4 मार्च को होने के आसार। दिल्ली हाईकोर्ट बार ने हड़ताल के मद्देनजर की प्रॉक्सी वकील की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक के बेटे पर दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप। एनएचआरसी ने योगी सरकार से कुपोषण से हुई मौतों को लेकर मांगा जवाब। तमिलनाडु में सड़क दुर्घटनाओं में 24 लोगों की मौत। इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान 3 लोगों की मौत। सेंसेक्स 153 अंक नीचे। लीबिया से आपूर्ति बाधित होने से कच्चे तेल में तेजी जारी। पेटीएम मॉल का 2 साल में 500 करोड़ का जीएमवी हासिल करने का लक्ष्य।